तारिक अहमद लारी, आपका जवाब। देखिए, सिंगोल जो है वो बेसिकली धर्म का प्रतीक तो है, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा। संस्कृति का प्रतीक भी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि पिछड़े दलितों के ऊपर अत्याचार करने का अत्याचार करता वो गंडा था, ये भी मानना पड़ेगा। गंडा था वो जो पिछड़े दलितों को मारता था। रोहित जी उनकी बात सुनेंगे पहले, उनकी बात सुनेंगे। रोहित जी उनकी बात सुनेंगे पहले, बोलिए। पिछड़े दलितों और जो नॉन उनके साथी थे उनको मारने का डंडा था वो डंडा हटाया। नेहरू जी ने दिया गया, रिसीव कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने संग्रहालय में भेज दिया, म्यूजियम में भेज दिया। अब म्यूजियम से उसको तानाशाह साहब लेकर आए थे, तो तानाशाह साहब ने अपनी तानाशाही दिखाने के लिए वो डंडा दिखाया, जनता ने वो डंडा अलग दिखा दिया। अब उस डंडे का कोई काम नहीं है, आप उस डंडे को बेहतर है कि उसको संग्रहालय में वापस भेजिए। डंडे का काम है संविधान की प्रति को लगाइए। मनुष्य आप अगर डंडा मानते हो तो उस डंडे से आप ऐसे अपराधियों को सुताई करने का काम होना चाहिए, क्योंकि जहां पे डंडा रहेगा वहीं पे आप सही रहोगे, नहीं तो आप बिगड़ जाओगे। समाजवादियों, कट्टा तमंचा दे दिया जाए, आप चाहते हो कट्टा तमंचा दे दे, संविधान बोल देंगे लिखने को ना, तो संविधान की अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपांतर करके लिख नहीं पाओगे। पूछ लूंगा कितने प्रतिनिधि है उसमें, नहीं पता होगा। कितने पेज किए नहीं पता होगा, कितने लोगों ने लिखा नहीं पता होगा। बैठ के संविधान की बात करते हैं, संविधान दो तरह का होता है, पीला रंग का पति लाल रंग का घूम रहा है, कौन से पति ले घूम रहे भैया? संविधान की संविधान में क्या लिखा है पता है आपको? संविधान आपका क्या बोलता है? संविधान के नारे सुनाते हैं आप लोग, राम विरोधी है, धर्म विरोधी है, संस्कृति विरोधी है और हिंदू विरोधी पार्टी है। और आपके रहते हुए इस समाज में, इस देश में संस्कृति कभी अच्छी बन नहीं सकती। आपकी संस्कृति कट्टा और तमंचा है और गुंडा राज है, तो ये आप फैला रहे हो। उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने अपने अपने काम फैला लेंगे, क्योंकि क्या अच्छी नहीं लग रही। अरे भाई, किस तरीके से जनता से भी दिक्कत देगी, जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपकी जनता ने आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका में भेजा है, ताकि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में, जनता ने देख लिया कि आप जब मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं करोगे तो अगर किसान को भत्ता दे दिया तो सब आपकी क्या हालत होगी? आप लोगों का तो मानसिक संतुलन हो चुका है। अरे डिबेट में आए थे कि ये और अच्छा नहीं है, तो क्यों आए हो भाई? रोहित जी रुकिएगा, रोहित जी मंच थोड़ी ना है कि खाली आप सुनेंगे। डिबेट का मतलब होता है कि आप बोलोगे और मैं बोलूंगा और सुनोगे। रोहित अग्रवाल जी सुनना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल जी जरा रुकिएगा साहब, एक सेकंड साहब। लोग जो नहीं सुनना चाहते बड़े समझदार, सुनिए रोहित साहब, रोहित साहब, किसी बड़े समझदार व्यक्ति ने कहा कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनने की कला होती है, और सुनने की कला हर किसी के अंदर हो ये जरूरी नहीं। तो आप कला है नहीं तो फिर उस कला को डालने की कवायद क्यों कर रही? छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही, वो सुनना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ जी आपका जवाब लेती हूँ, आपका जवाब लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए लारी साहब एक बात बताइए। अरे मेरी तो सुन लीजिए, खैर मेरी भी आप सुनना नहीं चाहते वो मुझे पता है, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूं। राजगोपालाचारी साहब कौन थे? मैं नहीं जानता कौन थे। कौन थे राजगोपालाचारी साहब? अरे मैं तो जाहिल आदमी हूं। नहीं, आपने मुझसे कहा, अरे सुनिए ना तारिक अहमद लारी साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि दे दिया, नेहरू जी ने ले लिया और फिर म्यूजियम में रखवा दिया। बड़े आपको पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, किसको जिम्मेदारी दी गई, किसने सुझाव दिया, किसने उनको सुझाया, क्या कहा, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपका साफ चालू रहेगा। आप सुनना नहीं चाहते, लारी साहब बोलते रहिए, आप सुनना नहीं चाहते तो क्या करें बताइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, राजगोपालाचारी साहब कौन थे, राजगोपालाचारी जी कौन थे, तारिक अहमद लारी राजगोपालाचारी कौन थे, राजगोपालाचारी कौन थे? अरे आपको अखिलेश भैया नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली?
आपको वो नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली, ये बताइए मैं कौन होती हूँ। अरे सर इंडिविजुअल बैठे छोड़िए ना, मुद्दों पर बात करिए ना, बैठे हैं तो राजगोपालाचारी बताइए कौन थे, बताइए कौन थे, तारिक अहमद बताइए ना कौन थे राजगोपालाचारी। नहीं बता पाएंगे आप क्योंकि आप पढ़कर ही नहीं बैठे। सेंगोल पर चर्चा करनी है, सेंगोल पर सियासत करनी है, सेंगोल का अपमान करना है, सनातन का अपमान करना है और समाजवादी होने का ढोंग रचना है, यही डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है। आपको पता कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाना है। अरे राजगोपालाचारी कौन थे नहीं बताएंगे आप। अरे बताइए ना कौन थे, अरे आप बताइए ना, आप चर्चा के लिए बैठे बताइए ना, सवाल मैं पूछूंगी जवाब आप देंगे, यही तो डिबेट का नियम है। और अगर नहीं पता डिबेट का नियम तो फिर आगे क्या कहूँ। ऋषभ तिवारी जी आपको लाते हुए, ऋषभ जी मत सुनिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, कान से निकाल दीजिए इस समय भी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, निकाल दीजिए मत सुनिए, आपको थोड़ी मैं ज्ञान दूंगी, आपको जितना है उतना ही रहेगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बताने से आप समझ जाते होते तो अभी तक समझ गए होते, इतनी देर से आप नहीं समझे 33 मिनट में तो बचे हुए 7 में नहीं समझ जाएंगे, बचे हुए 7 मिनट में नहीं समझ जाएंगे आप समझ सकते होते और समझने की क्षमता होती तो अभी तक समझ चुके होते। ऋषभ तिवारी जी, ऋषभ जी वापस आपका जवाब लूंगी, ऋषभ जी आपका जवाब लूंगी। जी मैडम देखिए, सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, डायरेक्टली प्रहार मत कीजिए, दहाड़ दे रही है आपको, बेचारे घबरा जा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं चक्रवर्ती जी जो थे स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे, जिनसे सजेशन लिया गया था माउंटबेटन के जाने के बाद, समझ लीजिएगा इनके साथ दिक्कत क्या है, ये इतिहास पढ़ेंगे नहीं, इनके लिए समाजवाद केवल परिवारवाद और स्वार्थवाद है, असली समाजवाद तो वो था जो ये तानाशाह की बात कर रहे हैं महोदय बैठकर, असली तानाशाह वो था जो इंदिरा गांधी जी ने दिखाया और उसी कांग्रेस के साथ आज मिलके संविधान की दुहाई लेकर निकले, बड़ा अच्छा मोहब्बत की दुकान खोले हुए नफरत की बाजार में, जिन्होंने बीज की उनके साथ मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, असली तो मोहब्बत की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं कि सारे नफरत वाले को जोड़कर मोदी विरोधी एक साथ जुड़ गए, इससे अच्छा गारंटी क्या चाहिए आप लोगों को मोहब्बत की। दिक्कत यहाँ पे है कि इन्हें आज का बदलता भारत नहीं चाहिए, ये वो भारत है जो काशी विश्व डोर के अगर कॉरिडोर भारत है जो इसरो को भी मजबूत करता है, भारतीय संस्कृति का भी सम्मान करता है। आप किस तरीके से नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो ये देश की जनता देख भी रही है और सुन भी रही है, क्योंकि देश की जनता ने आपको इसलिए नहीं भेजा था कि आप खकेड़ मचाओ, डिबेट में खकेड़ मचाओगे, सदन में खकेड़ मचाओगे, रोडों पे खकेड़ मचाओगे, भाई साहब देश आपका भी है, कम से कम उसका तो सम्मान करो, कम से कम देश की संस्कृति का प्रतीक, न्याय का प्रतीक जो सिंबल है वो मुद्दा नहीं था, उसको मुद्दा आपने बना दिया क्योंकि वो तो लग चुका है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, आप के संस्थापक या आपकी पार्टी के इतने भी बड़े नेताओं को बुला लो और किसी की हैसियत नहीं है जो सिंगोल को सदन से हटा दे, तो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है सिंगोल, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है सिंगोल, इसलिए कंफ्यूज मत रहिए, न्याय का प्रतीक है सिंगोल, क्योंकि आपको न्याय की भाषा समझ में नहीं आती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर से सिखाई है आपको न्याय की भाषा, वैसे ही आज केंद्र में सिंगोल की लाठी आपको न्याय की भाषा सिखाएगी, तब आपको शायद समझ में आए कि न्याय क्या होता है। मेरे मित्र इतने नकारात्मक मत सिखाइए, इतना दुख मत प्रकट करिए, जनता आपको पुनः कभी सत्ता में लाने वाली नहीं है, विपक्ष के रूप में ही जनता आपको जीवन कम से कम गनीमत की बात यह है कि इन्होंने सिंगोल को धर्म और संस्कृति का प्रतीक तो माना,
पूरी डिबेट के दौरान कम से कम ये एक प्लस पॉइंट जो इनकी तरफ से कहा गया उसको कम से कम दर्शक सुन के खुश हो जाएंगे कि चलिए माना कि ये धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, ये एटलीस्ट मान लिया। ऋषभ तिवारी जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा जरा मुझे। अजय अरोड़ा जी आपके पास आते हुए, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है और ये अचानक से सेंगोल का मुद्दा क्यों उठाया गया? आपसे डिस्कस किया था पहले कि हम सेंगोल को लेकर बयान देने वाले हैं, या बस दे दिया गया, अब गाड़ी निकल गई है पटरी से तो बस जैसे तैसे उसका एक्सीडेंट ना हो ये कोशिश करनी है? पूर्णिमा, ऐसी बात नहीं है, ना तो गाड़ी निकली, ना एक्सीडेंट होगा, ना स्पीड ब्रेकर आएंगे। जहाँ तक सेंगोल की बात हुई, हमारा मानना है, हमारी एक सलाह है, संस्कृति का प्रतीक है, किसको राजा सलाह का डंडा है, एक किसको सलाह है, एक मिनट, सलाह किसको है ये तो बताइए, वो सलाह वाले ले लेंगे ना फिर जिसको सलाह है। जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा बीजेपी को सलाह, सरकार केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, एक छोटा सा निवेदन है, एक सलाह है, अगर संविधान की प्रति लग जाए, अगर पुराने टाइम में राजतंत्र की बात होती थी, अब लोकतंत्र की बात हो रही है, तो हम आज के बाद से प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस पे थोड़ा मंथन करें, थोड़ा चिंतन करें, धर्म से राजनीति ना करें, हमें बांटना नहीं है, अगर हम कुशल विपक्ष हैं, अच्छा, हम कुशल विपक्ष की तरफ, कोई सलाह आपकी तरफ से नहीं, हम साथ हैं उनके, समाजवादी पार्टी के बिल्कुल साथ हैं हम बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। और जो उन्होंने कहा, हम ये जरूर कहेंगे कि संविधान सर्वोपरि है, इस देश का संविधान तो हमारा ग्रंथ है, तो हमारी गीता, हमारी महाभारत, तो हमारी गीता, हमारी बाइबल, किसने बनाई हमारी बाइबल, हमारा कुरान, हमारी गीता, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। हमारा संविधान किसने खिचड़ी बनाई और सीटी लगा दी इसमें? मैं ये कह रही हूँ कि आप जब तक ये बातें नहीं करेंगे ध्रुवीकरण नहीं होगा ना। सीधी सीधी सी बात ये है, खुलकर बोले कि हमको ध्रुवीकरण करना है, और इसीलिए बीच बीच में इस तरीके का सुर्रा छेड़ते रहेंगे हम। देखिए पूर्णिमा जी, समस्या यही है कि 20% वोट के लिए ही काम किया जा रहा है, ये चालू ही होते 20% के लिए, जीते भी 20% के लिए और मरते भी 20% के लिए। ये बताइए, सेंगोल हमारी संस्कृति का एक भाग है, हमारा अंग है उसको, और अपनी संस्कृति को आप कैसे भूल सकते हैं? और संस्कृति को भूलने वाला देश देश नहीं रहता, वो खत्म हो जाता, उसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। मैं बोल लीजिए, जहाँ तक सेंगोल की चर्चा हो रही थी, उस व्यक्ति को यही नहीं पता है राजतंत्र प्रजातंत्र प्रोसेस क्या है। अब समाजवादी पार्टी साहब ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछे, राजगोपालाचारी जी कौन थे, उनको यही नहीं पता है, वो व्यक्ति प्रवक्ता बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे विचार विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक बात हो रही थी कि भाई इसको मुद्दा बनाए किस, भाई मुद्दा है का विपक्ष के लिए, मैं रोहित भाई से एग्री हूं, मुद्दा है नहीं। अगर मुद्दा है तो आप उठाइए मुद्दे को। समस्या क्या है, जो 33% अंक नहीं आते थे, उसके अचानक 33% अंक आ गए, तो सोचने लगा मैं तो टॉपर हो गया हूं। अरे भैया, तुम तो फेल हो रहे थे पिछले 40 एग्जाम में, फेल होने के बाद अचानक 33% तुम्हारे अंक आ गए, तुम उछलने लगे हो। आप ये देखिए कि भाई, एक पार्टी 240 सीट पाई है, तुम 99 पाए हो, दूसरी पार्टी 37 पाई है, नो डाउट वो मंथन कर रहा है, काम कर रहा है। आप जनता के लिए काम लेके जाओ। आप हिंदू विरोधी क्यों हो जाते हो? आपको हिंदू संस्कृति से इतना विरोध क्या है? आपको हिंदू धर्म से इतना विरोध क्यों है? आपको उसके कल्चर से इतना विरोध क्यों है? आपको क्या चाहते हो? क्या कि सब लोग टोपी लगा के बैठ जाएं, टीवी डिबेट में भी टोपी लगा ले, बोल रहे थे हमारे मित्र प्रजातंत्र खतरे में। कौन सा प्रजातंत्र खतरे में? अगर खतरे में होता, आप यहां पर बैठ के टीवी बोल नहीं पाते। एक एग्जाम्पल देता हूं, नेहरू जी ने एक जो शायर हुआ करते मजदूर सुल्तानपुरी, सिर्फ हिटलर बोल दिया था, उसके एक साल के लिए जेल भिजवा दिया था। एक थे हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर दुर्गा प्रसाद जी, सिर्फ उन्होंने क्रिटिक्स लिख गया था, उनकी नौकरी चली गई थी। तो भैया, एक टैगोर जी का नाटक होता था गोरा, उस पर बैन लगा दिया था। तो हिटलर साहिब उसको कहते हैं, माननीय हिटलर साहिब आज नहीं है। लेकिन एक बार फिर से सेंगोल का मुद्दा छेड़ते हुए सियासी पारा हाई है। अहमद लारी साहब ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने फिर अपने कान से उनका इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया था, पर शुक्रिया जरूर आप सुन लेंगे। लारी साहब धन्यवाद, समय चर्चा का खत्म हो चुका है, हिस्सा बने, धन्यवाद आपका बहुत। ऋषभ तिवारी जी, अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित अग्रवाल जी, संजय राणा जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।